बड़ी खबर सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर ढाला के समीप वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन के एक कोच में आग लग गई है। हालांकि कुछ भारी नुकसान नहीं हुआ है। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन के कोच नंबर S4 में आग लगी हुई थी। अचानक आग लगने से ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री ट्रेन से उतर कर इधर उधर भागने लगे। वहीं इस घटना के बाद ट्रेन सहित आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर लाई गई, के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया है। आगजनी की इस घटना में किसी तरह का हाथाहाथ की सूचना नहीं है, लेकिन अभी भी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। चलती ट्रेन में लगी आग की सूचना जैसे ही लोको पायलट को मिली तो लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड व पुलिस बल पहुंचा और ट्रेन में लगी आग को बुझा दिया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अगर समय रहते हुए आग नहीं बुझाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर ढाला के समीप वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में आग लग गई। हालांकि कुछ भारी नुकसान नहीं हुआ है। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन के कोच नंबर S4 में आग लगी हुई थी। अचानक आग लगने से ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं इस घटना के बाद ट्रेन सहित आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।